हेलो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के स्टार्ट करने के पहले अपने सिलेबस में जो एडजस्टमेंट की लिस्ट दी हुई है तो वो एक बार अपन देख लेते तो उसमें सबसे पहले उन्होंने दिया है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट तो बच्चों एकदम फाइनल अकाउंट की वैसे ही सेम टू सेम ये एडजस्टमेंट है कोई भी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो अपन एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट लाइब्रेटी पे शो करेंगे और कोई भी एक्सपेंसेस अगर प्रीपेड होता है तो एक्सपेंसेस में से लेस करके बैलेंस शीट में asset पे शो करेंगे तो यहां पे उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच आर अनपेड टू इफेक्ट्स एड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द कंसर्न एक्सपेंसेस कंसर्न एक्सपेंसेस मतलब जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहेगा उसमें एड करेंगे ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सेकंड इफेक्ट शो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट सेकंड इफेक्ट कहां बताना है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस पेड इन एडवांस टू इफेक्ट्स क्या टू इफेक्ट्स होंगे डिडक्ट फ्रॉम द प्रीपेड डिडक्ट डिडक्ट द प्रीपेड अमाउंट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस डिडक्ट द प्रीपेड अमाउंट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो

इनकम ड्यू तो मतलब ये चारो टर्म का मीनिंग सेम है इनकम मतलब आना बाकी है इट इज बट इट हैज नॉट बीन रिसीव ड्यूरिंग दर इट इज एन आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब कोई भी इनकम जो अपने अर्न तो कर लिया मतलब अपन कमा लिये लेकिन अभी अपने को नहीं मिला नॉट बीव ड्यूरिंग द इयर इट इज़ आउटस्टैंडिंग इनकम तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे आउटस्टैंडिंग इनकम इज एडेड टू द कंसर्न इनकम इट इज एडेड टू कंसर्न इनकम इनकम साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट में चलो उसी तरह से और एक एडजस्टमेंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इसको एक और नाम है प्री रिसीव्ड इनकम प्री रिसीव्ड इनकम ठीक है

तो पहला इफेक्ट क्या था इनकम में से डिडक्ट करो इनकम में से डिडक्ट करो कंसर्न इनकम में से डिडक्ट करो और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड तो किसी से पैसे पहले मिलना यह क्या रहता लाइबिलिटी ठीक है तो ये ऑलरेडी अपन ने जो ये जो एडजस्टमेंट पड़े अभी फर्स्ट uh, आउटस्टैंडिंग वाला सेकंड प्रीपेड एक्सपेंस वाला और एक इनकम वाला और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाला ये चारों भी एडजस्टमेंट अपन ने फाइनल अकाउंट में किए वाले हैं ठीक है ना वही यहां पे वापस रिपीट हो रहे हैं चलो उसके बाद में सब्सक्रिप्शन ये नया पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन तो subscription से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है एक एडवांस सब्सक्रिप्शन और एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अब ये दो के अंदर और दो है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर एडवांस करंट ईयर एडवांस इस तरह से चार एडजस्टमेंट बन जाते हो तो सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम सब्सक्रिप्शन क्या है इट इज अ रेवेन्यू इनकम बच्चों सब्सक्रिप्शन जो रहता है ना वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के मेंबर्स को एनुअली पे करना पड़ता जो ऑर्गेनाइजेशन uh, uh, का जो एक्सपेंसेस रहते रेगुलर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस वो expenses करने के लिए हर मेंबर को में पे पड़, कर, करना पड़ता सब्सक्रिप्शन ठीक है मतलब अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स uh, uh, में सपोज uh, कोई कोई फेस्टिवल हो रहा है ठीक है हर साल वो फेस्टिवल मनाते हैं वो फॉर एग्जाम्पल गणपति फेस्टिवल तो अगर गणपति फेस्टिवल मनाते तो ये जो गणपति का का फेस्टिवल एक्सपेंसेस है वो क्या करते पूरे वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में के पूरे मेंबर्स को कुछ अमाउंट कंपलसरीली देना पड़ता है उसके एक्सपेंसेस के लिए हर साल दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन मतलब वही है और कुछ नहीं है मतलब तुम्हारे तुम मेंबर है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे रहेंगे रूटीन खर्चे और वो खर्चे करने के लिए जो आ, हर मेंबर से अपन जो अमाउंट लेंगे एवरी ईयर दैट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन ठीक है सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सब्सक्रिप्शन में बी गिवन पीरियोडिकली ऑल मेंबर्स हैव टू पे सब्सक्रिप्शन रेगुलरली इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम सब्सक्रिप्शन क्या है इट इज एन इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये इनकम है सब्सक्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिस्यूड इन करंट ईयर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसूड इन करंट ईयर

अगर कोई स्टूडेंट को नॉट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सब्सक्रिप्शन आ गया सब्सक्रिप्शन अगर समझ में आ गया तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का 90 परसेंट या 95 परसेंट जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मतलब 95 फाइव परसेंट उसको नॉन ट्रेडिंग आ गया जस्ट उसको अब सिंपली उसको बेसिक चीजें जो है वो सही जगह पे लिखना है टोटलिंग करना है टैली हो जाएगा तो सब्सक्रिप्शन ये सबसे मेन एडजस्टमेंट है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का सब्सक्रिप्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एडजस्टमेंट है ठीक है इवन फाउंडेशन में भी और ट्वेल्थ में भी दोनों में भी ठीक है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट करेंट इन करंट ईयर ठीक है ये तो बच्चों अपने को डायरेक्टली रिसिटेड पेमेंट में दिया वाला रहेगा तो अपने को ये कहां लिखना है डायरेक्टली इनकम साइड पे लिखना है ठीक है तो इसके दो इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी रिसिट एंड पेमेंट में रहेगा तुमको तो ये कहां पे लिखेंगे अपन कहां पे लिखेंगे इनकम साइड ठीक है इनकम साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड ठीक है इनकम साइड पर सब्सिशन रिसूड करंट ईयर तो बच्चों अगर प्रीवियस ईयर का करंट ईयर ईयर में मिलता है तो अपन क्या करेंगे इसको लास्ट की बैलेंस शीट में लिखेंगे लास्ट ईयर बैलेंस शीट ठीक है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखना है और उसके बाद में इसको क्या करना है इनकम में से डिडक्ट करना है डिडक्ट फ्रॉम इनकम लेस फ्रॉम इनकम डिडक्ट फ्रॉम इनकम डिडक्ट फ्रॉम इनकम सब्सिपेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीविंग करंट ईयर तो बच्चों क्या करेंगे पहला अपन क्या करेंगे उसको इनकम में से डिडक्ट करेंगे डिडक्ट फ्रॉम इनकम डिडक्ट फ्रॉम इनकम ठीक है और सेकेंड इफेक्ट इसका क्या होगा इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे अपन बैलेंस शीट सब्सिपेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीविंग करंट ईयर बैलेंस शीट में लाइब्रिटी पर शो करना है लाइब्रेटी साइड करंट ईयर के

तो अभी फिलहाल में तो खाली इतना ही समझो कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चार एडजस्टमेंट होते हैं करंट ईयर करंट ईयर में मिल गया प्रीवियस ईयर का सब्सेशन करंट ईयर में मिल गया नेक्स्ट ईयर का सब्सिशन करंट ईयर में मिल गया और करंट ईयर का सब्सिशन आउटस्टैंडिंग है मतलब वो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है तो ऐसे चार एडजस्टमेंट्स उनको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आने वाले ठीक है थीके? उसके बाद है डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन जो है अपने फाइनल अकाउंट की वजह सेम एडजस्टमेंट है तो डेप्रीसिएशन का क्या करेंगे तुम डेप्रीसिएशन का एक तो कंसर्न uh, असेट में से माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट उसका देंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना है तुमको तो डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न ऑन द बैलेंस शीट डिडक्ट फ्रॉम फ्रॉम कंसर्न द बैलेंस शीट एंड पी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ठीक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस बच्चों एक नया टर्म है एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस ठीक है एंट्रेंस फीस का नीचे एडजस्टमेंट में अपने को क्लियरली बोलेगा कि एंट्रेंस फीस को करना क्या है ठीक है बिकॉज एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज भी होता है एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू भी ट्रीट कर सकते हैं तो एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन हु इंटेंड्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंसर्न एंट्रेंस फीस जो है वो फीस पेड बाय अ पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर जिनका इंटेंशन है कि मेरे को मेंबर बनना है उनसे ये कलेक्ट किया जाता है एंट्रेंस फीस जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट और इनकम बट समाइम पार्ट एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट मतलब कुछ part capital receipt और कुछ पार्ट पार्ट कैपिटल रिसीट और इनकम इनकम साइड पे भी लिख सकते हैं मतलब बहुत बार क्वेश्चन में क्या देता है नीचे एडजस्टमेंट में एंट्रेंस फीस 50 परसेंट टू बी कैपिटलाइज पचास टक्के एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो इसका मतलब पचास टक्के तुमको कैपिटल फंड में ऐड करना है और पचास टक्के को इनकम लेना है ठीक है फॉर एक्साम्पल एंट्रेंस फीस रिसूड फिफ्टी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया 50% परसेंट एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड मतलब पचास हजार 50% कैपिटलाइज़ करो तो पच्चीस हजार रुपए कैपिटल फंड में ऐड करेंगे और सेकंड पच्चीस हजार जो बचे वाला है वो इनकम साइड पे एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक है तो एंट्रेंस फीस का अगर एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है नीचे कुछ नहीं बोला एडजस्टमेंट में तो आपको नीचे नोट लिखना है कि एंट्रेंस इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रेंस फीस इज स्टेटेड एज रेवेन्यू इनकम या तो फिर दूसरा नोट क्या रहेगा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रेंस फीस इज स्टेटेड एज कैपिटल रिसिट मतलब आपके हिसाब से दोनों में से एक ट्रीट करना है आपको या तो कैपिटल रिसिट या तो रेवेन्यू ठीक है उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा बट एग्जाम में आज तक कभी भी आज तक कभी भी एंट्रेंस फीस के बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया ऐसा हुआ ही नहीं मतलब एंट्रेंस फीस के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन देता ही है और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तुमको उसको ट्रीटमेंट देना है ठीक है उसके बाद में है क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक फंड आउट ऑफ द डोनेशन क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक स्पेशल फंड आउट ऑफ द डोनेशन डोनेशन मीन्स अ गिफ्ट गिवन बाय आइदर मेंबर और एनी आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स ऑफ डोनेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन दो टाइप के डोनेशन है बच्चों अगर इनकम साइड पे खाली इतना लिखा है बाय डोनेशन पचास हजार तो आप कौन सा डोनेशन पकड़ोगे जनरल या स्पेसिफिक जब अगर कुछ नहीं बोला तो जनरल डोनेशन और अगर स्पेसिफिकली कुछ दे रहा है तो स्पेशल डोनेशन तो जनरल डोनेशन क्या है ट्रीट एज रेवेन्यू इनकम अगर जनरल डोनेशन है तो उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर लो इनकम एनेजमेंट जब लिख दो एंड विल बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम इनकमेंट अकाउंट दिस डोनेशन आर गिवन विदाउट एनी कंडीशन मतलब ये डोनेशन जो रहते ना उसमें कोई कंडीशन नहीं रहती कि हमारा पैसा ये पर्पज के लिए यूज करो वो पर्पज के लिए यूज़ करो मतलब सामने वाले ने बोला डोनेशन बस और कुछ भी नहीं बोला इंस्ट्रक्शन नहीं दियाउंट ऑफ डोनेटेड बाई हिम फॉर एक्साम्पल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डोनेशन फॉर प्राइज फंड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एक्सेट्रा तो अगर डोनेशन फॉर डैश 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 कुछ अगर पर्प आ गया तो आपको स्पेसिफिक डोनेशन बोल के उसको कहां लिखना है लाइब्रेटी साइड सच डोनेशन शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जनरल डोनेशन को इनकम बताते अपन इनकम साइड पे लिख देते और स्पेसिफिक डोनेशन को अपन कहा लिखते बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी साइड ठीक है तो इनकम साइड और लाइब्रेटी साइड जनरल डोनेशन इनकम स्पेसिफिक डोनेशन लाइब्रिटी ठीक है नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ सकता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बच्चों ये फाइनल अकाउंट में भी अपन ने किया था बट यहां पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर स्टेशनरी क्या है ऑलवेज एक्सपेंडिचर है इट इज कंज्यूमेबल आइटम मतलब स्टेशनरी जो रहता न, है ना वो यूज करते बिजनेस के अंदर और यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है स्टेशनरी के अंदर जनरली आता है रिसिड बुक पेन पेंसिल उसके बाद में स्टेपलर मतलब जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड है कार्बन स्टैम्प uh, वगैरह ये जो है ना वो पूरे स्टेशनरी के अंदर काउंट होंगे इट इज कंज्यूमेबल आइटम इट मे बी कैलकुलेटेड एज अंडर सबसे पहले तुमको क्या करना है पिछले साल का कुछ स्टॉक है क्या अपने पास वो देखना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पहले ले लो उसमें परचेज किए वाला एड कर दो एड परचेजेस एड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल अगर कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट देना बाकी है तो वो भी एड कर लो मतलब कुछ स्टेशनरी का बिल अभी भी देना बाकी है मतलब उसकी कोई लाइबिलिटी है तो वो भी ऐड कर लो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम तो बच्चों उसमें से ये वाला जनरली अपने क्वेश्चन में नहीं आएगा बहुत रेयरली आएगा यह वाला पॉइंट ज्यादा कर ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड स्टेशनरी डायरेक्टली स्टेशनरी कंज्यूम कंज्यूम मतलब इतना अपने यूज कर example, मेरे पास पिछले साल का हजार रुपए का स्टेशनरी था इस साल मैंने बारह हजार रुपए की स्टेशनरी खरीदा और अभी एंड में मैं जाके मेरे अलमारी में देखा कि कितनी स्टेशनरी है तो पांच रुपए की स्टेशनरी मेरे पास है बच्चों बारह हजार की स्टेशनरी खरीदे पिछले साल का एक हजार का स्टेशनरी था तो टोटल तेरह हजार रुपए की स्टेशनरी तुम्हारे पास रहनी चाहिए जाके देख रहे तो पता चल रहा पांच सौ रुपए की स्टेशनरी है तो इसका मतलब इसका मतलब बारह हजार पांच सौ रुपए की स्टेशनरी अपने क्या कर लिए कंज्यूम कर लिए यूज कर लिए ड्यूरिंग द ईयर में इतना कंज्यूम कर लिया अपन ने और जो भी ये स्टेशनरी कंज्यूम कर लेते ना ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा तो स्टेशनरी कंज्यूम इज टू बी डेबिटेड टू डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड एंड क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक स्टेशनरी विल बी शोन ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑफ स्टेशनरी विल बी शोन ऑन द एसेट साइड बैलेंस शीट और तुम्हारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा स्टेशनरी का उसको कहां बताएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड तो अगर स्टॉक है स्टेशनरी का तो वो बैलेंस शीट में एसेट पे आएगा सेम ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटीरियल कंज्यूम मेडिसिन ड्रग्स एक्सेट्रा तो बच्चों स्टेशनरी की जगह पर कभी कभी आ जाएंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन कभी कभी आ जाएंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन या ड्रग्स के ऊपर भी अगर आ गया तो सेम ट्रीटमेंट तुमको ऐसे ही करना है सेम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड परचेज ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ठीक है अगर कुछ बिल आउटस्टैंडिंग है मतलब अपन ने माल खरीदे लेकिन पेमेंट देना बाकी है तो वो भी एड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल ठीक है

रिप्रेजेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन लाइब्रिटी साइड ऑफ ऑन लाइब्रिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ठीक है इसका पर्पज क्या रहेगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना तो कैपिटल फंड जो है वो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा उसके अंदर ठीक है और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं जैसा एंट्रेंस फीस जो ऊपर पड़े अपन ने कि कुछ पर्सन को अगर कोई पर्सन को अगर मेंबर बनना है तो उससे अपन क्या चार्ज करते हैं एंट्रेंस फीस सब्सक्रिप्शन जो अपन एनुअली हर मेंबर से कलेक्ट करते लीगसी व्हाट इज लीगसी लीगसी मींस अ गिफ्ट इट इज अ गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ अ डोनर तो अगर कोई डोनर है जिसके डेथ के टाइम पे उसने बोला कि मेरे डेथ के बाद मेरे प्रॉपर्टी uh, में से uh, मुझे यह सोसाइटी को या ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट देना है तो उसको बोला जाता है लीगसी गिफ्ट रिसीव्ड तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगसी क्या है यह रिसिप्ट है मतलब पैसा आने वाला है गिवन अंडर दिल ऑन द डेथ ऑफ द डोनर दिस गिफ्ट मे बी ऑफ जनरल और स्पेसिफिक पर्पज अच्छा ये लीगसी जो है वो जनरल भी रह सकती है और स्पेसिफिक भी रह सकती है जनरल गिफ्ट रेवेन्यू इनकम विच इज क्रिएटेड टू इनकम सेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्पेसिफिकल रिसिट इट शुड बी शोन द लाइब्रेरी सेलेंस शीट बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लीगसी को अपन क्या पकड़ेंगे स्पेसिफिक गिफ्ट और स्पेसिफिक गिफ्ट को अपन कहा लिखते हैं बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड ठीक है तो अनलेस स्टेटेड लीगसी को अपन क्या करेंगे साइड पे कैपिटल फंड में एड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सम मेंबर्स सम मेंबर्स पे लाइफ मेंबरशिप फीस इट इज नॉन रिकरिंग इनकम देर फोर इट विल बी शोन ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ बैलेंस शीट इसको लाइफ मेंबरशिप अपन क्या करेंगे ऑलवेज कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे लाइबिलिटी साइड और यूजलेस फॉर द कंसर्न इट इज सोल्ड आउट अमाउंट रियलाइज ऑन इट इज कैपिटल रिसिड तो असेट तो, बेच के जो पैसा आएगा वो क्या रहेगा कैपिटल द बुक वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ सच असेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न असेट The difference between the book value and the realized value is either profit or loss on sale of asset. It is uh, if if there is a profit. If there is a profit, it should be shown on income side of income and expenditure account. If there is a loss, if there is a loss, it should be shown on the expenditure side of the income and expenditure account. Next is sale of scrap. Next point is sale of scrap, newspaper etc. Sale of scrap, newspaper etc. स्क्रैप ऑफ ओल्ड मटेरियल इज सोल्ड इन द मार्केट इट इजेड एस रिकरिंग इनकम देर फोर इट इज क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर इज मिसलेनियम इट इज क्रेडिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कोई भी स्क्रैप बेचो या न्यूज पेपर सेल करो उससे जो भी पैसा आएगा उसको अपने कहा लिखना है इनकम साइड पे ठीक है उसके बाद में स्पेसिफिक डोनेशन रहा तो अपन कहा लिखते हैं तो इनकम साइड स्पेसिफिक फंड रहा तो स्पेसिफिक फंड रहा तो लाइबिलिटी साइड और एंडोमेंट uh, फंड एक टर्म है एंडोमेंट फंड इट इज अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट दिफिक गिफ्टेड और डोनेटेड द इनकम ऑफ दिस फंड इज स्पेसिफिक इनकम इट्स शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट तो बच्चों अगर कोई पर्सन ने स्पेसिफिकली कुछ बोल के अगर कुछ पैसा दिया है और वो फंड को अपन क्या कर रहे बाहर कहीं पे आ, उसको इन्वेस्टमेंट कर दे रहे

एडजस्टमेंट्स uh, बोल के आ सकते हैं या तो फिर uh, तुम्हारे रिसीट एंड पेमेंट में जो है टर्म्स आ सकते हैं एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस स्पेसिफिक डोनेशन जनरल डोनेशन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी उसके बाद में एंट्रेंस फीस लीगसी तो ये टर्म्स तुमको अभी नॉन ट्रेडिंग के आंसर आने वाले हैं तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको uh, इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे और कैसे अपने को सॉल्व करना है ठीक है थैंक यू